नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। साहित्यकार गीतांजलि श्री ने रचा इतिहास, पहली बार हिंदी उपन्यास टॉप्स ऑफ सैंड को मिला बुकर पुरस्कार। कर्नाटक के बंगलुरु में बड़ा हिजाब विवाद, कॉलेज छात्राओं ने डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता टहलाने वाले आईएएस दंपति का ट्रांसफर, सोशल मीडिया पर लोग बताने लगे लद्दाख और अरुणाचल की दूरी। असम में बाढ़ से अब तक 30 लोगों की मौत, केंद्र सरकार ने जारी की 324 करोड़ की सहायता राशि। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट के हत्यारे दोनों आतंकी ढेर, पुलिस ने 24 घंटे में केस सुलझाने का किया दावा। सपा के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा में की सीएम योगी की तारीफ, कहा ईमानदार और मेहनती, फिर अखिलेश पर साधा निशाना। अयोध्या मथुरा काशी दिखाएंगे धार्मिक संस्कृति, राष्ट्रवाद की झांकी, योगी सरकार के बजट में खास इंतजाम। यूपी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का भी रखा ख्याल, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए भी बजट। 10 सिखों के फर्जी एनकाउंटर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, 34 पुलिस कर्मियों की जमानत अर्जी खारिज। वाराणसी में 2 घंटों की सुनवाई में 12 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष ने रखी अपनी दलील। राष्ट्र प्रमुख ने की अफगानिस्तान आतंकी हमले की निंदा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में पश्चिमी देशों का ही नुकसान। पाकिस्तान में पेट्रोल हुआ महंगा, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत की तारीफ की, शहबाज शरीफ सरकार पर साधा निशाना। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा अमेरिका नहीं चाहता है दूसरा शीत युद्ध, चीन को दी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पालन करने की नसीहत। विद्रोहियों के हमले रोकने में विफल रही पाकिस्तान फौज, ताजो हमले में पुलिसकर्मी की मौत, अब तक 323 सुरक्षा बलों की मौत। पूर्व तेज गेंदबाज चामिंडा वास बोले विराट कोहली और रोहित शर्मा ब्रेक के बाद खतरनाक होकर लौटेंगे। ट्रेल ब्लेजर्स ने वेलोसिटी को 16 रन से हराया, मेघना और रोडी ग्रेस की शानदार पारी। आईपीएल में शतक का किंग और आरसीबी सीएसके 5वें नंबर पर, तो मुंबई इंडियंस टॉप 5 से बाहर। एक मैच से ही हो गई रजत, पाटीदार की चांदी, गेंदबाज के तौर पर शुरू किया था अपना करियर। बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने कहा केएल राहुल को लंबे समय के बजाय तेज बल्लेबाजी करनी चाहिए। अमेरिकन स्टार रे लियोटा का 67 साल की उम्र में निधन, मनोज वाजपेयी ने दी श्रद्धांजलि। विदेश में छुट्टियां मना रहे शार्क टैंक इंडिया के जॉर्ज अश्नीर ग्रोवर, फैंस ने रणवीर सिंह के पहनावे से की तुलना। खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगी रूपिका दिलायक, कहा हो रही घबराहट। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने वेदालोक में मचाया हंगामा, लोगों ने की बॉलीवुड में क्रिस से तुलना।
करण जौहर की पार्टी में शाहरुख खान ने मारी सीक्रेट एंट्री, कोई मिल गया गाने पर किया जमकर डांस। पांचवट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।